हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फोर्थ वीडियो है। तीन वीडियो तक हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन में हम लोगों ने एक चीज देखी, हमें वाई इक्वल एफ एक्स टाइप की क्वेश्चन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है y is equal x sin x, y is equal x sin x, कह रहा है ये इक्वेशन दी गई है y is equal x sin x और पूछ रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है xy' is equal में y plus x अंडर रूट में x square minus y square। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कह रहे कि इसका सॉल्यूशन ये है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम करेंगे क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कितने डिफरेंशियल कोफिशियंट यूज हो रहे हैं, एक और y dash, तो y dash की वैल्यू इस इक्वेशन से पता कर लेंगे। अब y dash की वैल्यू कितनी होगी, y dash इक्वल पहला फंक्शन x, छोड़ दीजिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अगली बार sin x को छोड़ दें x का डिफरेंशिएशन 1, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन होगा। इस y dash की वैल्यू हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी कितनी, x into y dash, y dash की वैल्यू x cos x प्लस में sin x, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x square cos x प्लस में x sin x। इस x sin x की वैल्यू कितनी है, x sin x y के बराबर है, तो ये हो जाएगा y प्लस में यहां से x square cos x, cos x को लिखना चाहे तो अंडर रूट में cos square x, और cos square x को फर्स्ट आइडेंटिटी से हम 1 माइनस sin square x लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है x square अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस में y। अब यहां से बताएं sin x की वैल्यू कितनी होगी, sin x इक्वल हो जाएगा y by x, तो यहां sin x की जगह हम y by x लिख देंगे, ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस y by x का होल स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर x है, sin x की वैल्यू y by x है, तो y by x का होल स्क्वायर प्लस में y। यहां से x स्क्वायर जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y। ये x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो x बनेगा, तो x स्क्वायर अपॉन में x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस में y। इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा y प्लस x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। हमने किया क्या, y is equal x sin x से डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू पता की, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, जो भी इक्वेशन दी गई है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है xy is equal log y plus c, xy is equal log y plus c, ये एक क्वेश्चन दे रखी है और कह रहा है कि प्रूव y dash, ये जो क्वेश्चन दे रखी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन y dash is equal में y square upon 1 minus xy, y square upon में 1 minus xy का सॉल्यूशन है। ये दी गई इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहां से पहले हम y dash निकाल लें, दो फंक्शन है इधर x into y, तो पहले x को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन y dash, अगली बार y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y और y का डिफरेंशिएशन y dash प्लस में c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां से देखें तो x y dash को हम उधर भेज दें, तो यहां कितना है y dash upon में y minus x y dash, और यहां पर कितना बचा y, यहां y हमने लिख दी, y is equal आ गया, यहां y dash common ले लेते हैं, y dash common लेने के बाद बचेगा 1 upon y minus में x, जब LCM लेंगे इसका तो आ जाएगा y is equal
वाई डैश वन माइनस एक्स वाई अपॉन में वाई, ये वाई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई अपॉन में है, इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल में वाई डैश वन माइनस एक्स वाई, और हमें वैल्यू किसकी पता करनी है वाई डैश की, तो यहां से वाई डैश इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से हमने ये चीज प्रूव की, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल एक्स, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल एक्स, और कह रहे हैं प्रूव करने को कि y साइन वाई प्लस कॉस वाई, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस में एक्स, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस में एक्स, और y डैश इक्वल y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन होगी, ये प्रूव कर रहा है। तो हम यहां से देखते हैं y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश माइनस में जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो y की वैल्यू y डैश हो जाएगी, cos y का आ जाएगा माइनस साइन y, तो एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस और प्लस हो गया, साइन y और y का डिफरेंशिएशन y डैश साथ में लिखना पड़ेगा, और x का कितना हो जाएगा 1। यहां से y डैश कॉमन ले लीजिए कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन y, देखिए y डैश यहां भी है y डैश यहां भी, कॉमन लेंगे इज इक्वल में 1, y डैश की वैल्यू अभी 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, यहां कितना दिया हुआ है y साइन y प्लस में cos y प्लस में x, ये x की वैल्यू यहां से कितनी होगी y माइनस cos y, तो रख देते हैं y माइनस cos y, ये x की वैल्यू हमने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, साथ में दिया हुआ y डैश, ये cos y माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गए। यहां से अगर y कॉमन ले लें, देखिए y यहां भी है y यहां भी है, y कॉमन लेते ही बच जाएगा sin y प्लस 1, और साथ में है y डैश, y डैश की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 1 प्लस sin y, y डैश की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस sin y, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया y, और राइट हैंड साइड में भी कितना था y, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। प्रूफ करने के लिए हम लोग शुरू से बस एक ही काम कर रहे हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें से हम देखते हैं कितने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत है, और वही चीज हम यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाती है। चलिए इसी सीक्वेंस से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई, और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए x y स्क्वायर y डैश, y स्क्वायर y डैश प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1, y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दी गई इक्वेशन एक सॉल्यूशन है। तरीका वही होगा, हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करना होगा, यहां से x का डिफरेंशिएशन 1, y का y डैश, tan इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर साथ में y डैश। यहां से अगर 1 प्लस y स्क्वायर को इधर भेजे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस y स्क्वायर, y डैश में मल्टीप्लाई होगा तो y डैश प्लस में y डैश का y स्क्वायर y डैश। फिर से देखने पर इस पूरे 1 प्लस वाई स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो वाई डैश का वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल में यहां बच गया वाई डैश, यहां से वाई डैश दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 1 इज इक्वल में कितना 0, और यही हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मतलब इस इक्वेशन से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाली इक्वेशन सॉल्यूशन है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 एक देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक दें, क्वेश्चन नोट कर लें, सॉल्यूशन जो भी आपको चाहिए
और बेस्ट तो ये होगा कि आप एक बार देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी आपको लगता है कि नोट्स बनाने हैं या नोट करना है तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है y इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, तो तरीका वही है, पहले डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता करें, यहां से डीवाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट का आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहां से हमें dy / dx इज इक्वल में माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो y लिख सकते हैं, यहां से y का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy / dx इज इक्वल माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो, और यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से पता किया है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। लगभग सभी क्वेश्चन में वही चल रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पता कर ले रहे हैं। चलिए अब दो एमसीक्यूज हैं आपकी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, उन पे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर कितना है 4, उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो जितना ऑर्डर होता है वही उतने आर्बिट्री कांस्टेंट भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं, मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही उसका क्या कहलाएगा ऑर्डर, उतनी ही बार डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। ये चीज हम लोग और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहां पर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 9.3 एक्सरसाइज 9.3, यहां से हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के क्या क्या तरीके हैं, दो मेथड बताए जाएंगे, उन्हीं दो मेथड पे सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो वो दो मेथड क्या होंगे वो लोग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वही उसका ऑर्डर कहलाता है, तो इसका मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 ऑर्डर है तो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने होंगे 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही पूछ रहा है, कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है 3, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, तो 3 जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस बात को बहुत प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वहां पर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, और नए वीडियोस जो आएंगे उनमें हम लोग तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के खत्म होने के लास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, जो जेई में पूछे गए हैं, आईटी जेई में, मेंस के हो या एडवांस के हो, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। मतलब ये जैसे ही 9.4 या 5 जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ, जैसा भी आपका रिव्यू हो, कमेंट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो आएगी, देखिएगा उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।